इनके लब रंगी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद निज़ाम कादरी हैं, ये कहते हैं कि इनसे बाज़ गैर मुस्लिम ये एतराज़ करते हैं कि मुसलमान जानवरों पर ज़ुल्म को तो मना करता है कि जानवरों पर ज़ुल्म ना किया जाए, मगर उनको ज़िबा करके खाते हैं हलाल करके, तो क्या उनकी जान को लेना ज़ुल्म नहीं है? क्या उन पर ये ज़ुल्म नहीं है किसी जानदार की जान को लेना? असल में मसला ये है कि अगर इस पैरामीटर को माना जाए, यानी इस कायदे कानून को माना जाए कि जानदार को मारना या तकलीफ़ देना ये ज़ुल्म है, तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी जो यानी तमाम मज़हब वाले उसकी ज़द में आएंगे। आई बात करते हैं फूड चेन की, यानी जो लोग इससे वाकिफ़ हैं, थोड़ी एजुकेटेड हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि प्रकृति के अंदर जो है एक फूड चेन सिस्टम चलता है, एक नियम चलता है कि एक चीज़ दूसरे को खाती है, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, और इस तरह से जो है ये निज़ाम जो है इस आलम का ये इसी तरह से चलता है। मसलन ये कि पौधे सूरज से धूप लेते हैं, अपना जो उनका भोजन होता है वो लेते हैं, फिर उसमें दूसरे उन पौधों को दूसरे जानदार खाते हैं, उन जानदारों को दूसरे जानदार खाते हैं, तो इस तरह से एक नियम चलता है। इसको जो है वो ज़मीन का जो इससे बैलेंस कुदरत का वो बना रहता है। अगर किसी भी एक चीज़ को हम अपनी अकल के मुताबिक रोक दें, इस फूड चेन सिस्टम में अगर हम कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, तो इसके नताइज जो हैं, जो इसके अंजाम जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरे साबित होंगे। यानी एक चीज़ की जो है वो तादाद इतनी बढ़ेगी कि फिर वो अपनी जो वो चीज़ खाती होगी उसको इस कदर खाएगी कि दूसरी चीज़ की कमी पड़ जाएगी। इसको एक मिसाल से ऐसा समझें, चाइना में 1958 से 1962 तक एक कैंपेनिंग चलाई गई थी, एक मुहिम चलाई गई थी किल ए स्पैरो कैंपेन के नाम से, कि वहाँ ये बिल पास किया गया या वहाँ के नेता के ज़रिए से ये चीज़ पूरे चाइना के ऊपर लागू कर दी गई कि जिस चिड़िया को देखो आप मार दो। और इसके बदले में इनकी दलील ये थी कि ये चिड़िया जो है वो हमारे अनाज को, चावलों को खाती हैं, जिससे नुकसान होता है। अगर चिड़िया मार दी जाएंगी तो अनाज की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो हज़ारों लाखों चिड़ियाँ हैं ना, ये बहुत चावल खा के ख़त्म कर देती हैं, वो चावल हमारी कौम के काम आएगा, वो अनाज हमारी कौम के काम आएगा। इसके नतीजे जो ख़तरनाक हुए ना, वो पूरी दुनिया ने देखे। आज इस पर आप आराम से इंटरनेट पर इसकी तफसील जान सकते हैं कि किस तरह से चाइना ने चिड़िया का जब खात्मा किया, लाखों चिड़ियाँ जो हैं वो 4 सालों में मारी गई, उनको निशाना बनाया गया, उनके घोंसलों को तबाह कर दिया गया, अंडों को फोड़ दिया गया। उसके नतीजे ये हुए कि चाइना की करोड़ों आवाम जो है वो कहत का, भुखमरी का शिकार होकर मर गई। इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने ये सोचा कि ये जो अनाज के अंदर एक्स्ट्रा अनाज जो चिड़िया खा रही हैं, ये इनकी हिफाजत होगी। असल में कुदरत का जो नियम है, जिसको मैं फूड चेन बोल रहा हूँ, ये नियम ऐसा है कि वो सिर्फ चिड़िया इनके चावल नहीं खाती थी, बल्कि जो इनकी फसलों में लगने वाले कीड़े थे, जो फसलों को ख़राब करते थे, ये चिड़ियाँ उनको खाया करती थी। इसी तरीके से जो ये खेतीबाड़ी के दौरान जो है एक्स्ट्रा जो घास वगैरह निकल आती है, जिसको ये वनस्पति विज्ञान में खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार जो उग आती है पानी के साथ, तो ये चिड़िया वगैरह उनको भी खाकर खेती की हिफाजत करती थी। अब क्योंकि वो चिड़िया तो बची ही नहीं हिफाजत करने वाली, तो वो कीड़े और खरपतवार इस कदर पैदा हुई कि उन्होंने जड़ में से सारे अनाज को खाना शुरू कर दिया। जब उन कीड़ों को कोई खाने वाला ही नहीं बचा, तो जाहिर है कि उन कीड़ों की तादाद बेशुमार होने लगी। जब उनकी तादाद बेशुमार हुई, तो उन्होंने पूरे के पूरे खेत समेत जो है वो चावलों की और सारी फसलों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि दवा वगैरह तो ऊपर से छिड़क दी जाती थी, लेकिन वो जड़ों में घुसकर भी अनाज को खाते थे, जिसका अंजाम ये हुआ कि चाइना में कहत आया, और ऐसा कहत कि करोड़ों की तादाद में लोग भूख का शिकार होकर मर गए।
उसके बाद वापस उनकी ज़िंदगी पे एक मुहिम चलाई गई कि वापस चिड़ियों को लाया जाए और उनको आबाद किया जाए, वो फिर बाद में एक तफसीर है। तो समझने के लिए बात यह है कि अगर किसी भी एक जानवर की तादाद बढ़ती है और उसके टच में, फूड चेन में कोई दूसरी चीज़ उसको खाने वाली है, तो फिर इससे जो है ना वो नियम जो है वो डिसबैलेंस होता है। फूड चेन का, कुदरत का जो नियम है वो डिसबैलेंस होता है। तो इसलिए कुदरत ने जिसको खाने की ग़िज़ा में जो दिया है वो हिकमत के साथ दिया है, उसको अपनी अकल के साथ नहीं तोला जा सकता कि फ़लाँ शख्स वो ना खाए, ऐसा खाए और वैसा खाए। जो चीज़ें इस्लाम ने जिन जानवरों को हलाल करार दिया है उसके खाने में फ़ायदे और हिकमतें रखी गई हैं। तमाम जानवरों को खाने की इजाज़त नहीं दी, ये भी एक इस्लाम की अपनी हिकमत है, क्योंकि हर चीज़ खाने की इजाज़त नहीं है। तो जिनको खाने की इजाज़त है, ज़ाहिर है कि अगर उनको ना खाया जाए, यानी आप तसव्वुर करें कि उनको ना खाया जाए, जैसे मसलन समझ लें कि अगर बकरे को ना खाया जाए तो इनकी तादाद इस कदर बढ़ेगी कि जब ये पत्ते या घास वगैरह खाएंगे तो ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान से हरियाली ख़त्म हो जाएगी, और अगर हरियाली ख़त्म होगी तो फिर इंसान का भी जो है वो ज़िंदा रह पाना बहुत हद तक नामुमकिन हो जाएगा। यानी ज़िंदगी के आप समझ लें कि अंतिम कगार पे आके इंसानियत जो है वो पहुंच जाएगी। जब हरियाली नहीं होगी तो फिर बारिश नहीं होगी, तो परिंदे भी नहीं होंगे, तो फिर ऐसी सूरत में क्या सिचुएशन हो सकती है आप इमेजिन करें। तो इसीलिए कुदरत के हिकमत में या कुदरत के जो ये नेचर का सिस्टम है, इसके अंदर अगर आदमी अपनी अकल लगा के सोचेगा तो आदमी की अकल बहुत छोटी होती है, वो जितना सोच सकता है दाएं बाएं देखकर बस उतना अंदाज़ा लगाए रखता है। जबकि कुदरत को, पूरे आलम को पालना है, और उसमें ना कि हमारी देश बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को पालना है। तो जो चीज़ें बनाई जाती हैं कुदरत नियम के तहत, वो सब को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती हैं, ना कि सिर्फ हम अपना एक देश या राज्य देखें कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से नहीं, यानी अकल इस तरीके से तो गवारा नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये रूल मान लिया जाए कि जानदार को मारना जुल्म है, तो फिर एतराज़ ये भी हो सकता है कि जिस हाथी के बच्चे को मारकर उसका सर एक इंसान के ऊपर रखा गया था, तो क्या उस हाथी के बच्चे को मारना जुल्म नहीं था। इसके सिवा फिर एतराज़ ये भी हो सकता है कि हम जो सांस लेते हैं इसके अंदर भी बहुत से जरासीम जो ऑक्सीजन में पाए जाते हैं वो हमारे ज़रिए, सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो भी मरते हैं। तो फिर इंसान धरती पर सांस लेना भी छोड़ दे, क्योंकि पैमाना तो एक ही होगा ना कि अगर जानदार को मारा गया तो जुल्म है। तो क्या सिर्फ बकरे को मारना, ज़िबा करना ही जुल्म है और जरासीम और बैक्टीरिया को मारना जुल्म नहीं होगा? क्योंकि पैमाना होना चाहिए एक कि अगर जानदार को मारना जुल्म है तो जानदार, हर जान को फिर जीने का हक होना चाहिए। तो क्यों सांस लेकर बैक्टीरिया को मारा जाता है, जरासीम जो ऑक्सीजन में होते हैं उस जिस्म में अंदर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको भी जीने का हक है, उनको भी जीने देना चाहिए। कोई ऐसा सिलेंडर ईजाद करना चाहिए ऑक्सीजन का, और सबको वही यूज़ करना चाहिए। एक मानव निर्मित गैस आप जिसको बोल दें कि वो एक ईजाद करनी चाहिए, तमाम आदमियों को वो मुहैया कराई जाए, सब उसी से सांस लें, क्योंकि जो हवा में जितने जरासीम हैं उनको भी जीने का हक है, उनको भी जीने देना चाहिए। फिर अगर जानदार ही के मारने की बात करी जाए, तो क्या वही जानदार है जो हमें नज़र आ रहे हैं, जैसा कि जैसे मुसलमान खाता है? आज साइंस ने इस बात को भी साबित कर दिया कि पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है। इसको आप वन्य जीव कहते हैं ना, वन्य जीव, तो इनमें भी जान होती है। तो जितने जानवर आप पालते हैं, यानी पशुपालन जिसको कहते हैं, पशुपालन में जितने जानवर पाले जाते हैं वो जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं, तो क्या वो दूसरे जानदार को नहीं खा रहे? तो उन पे भी लगाम होनी चाहिए कि वो पत्ते ना खाएं। पत्ते खाने से ज़ाहिर है कि पेड़ को तो नुकसान होगा, तकलीफ़ भी होती होगी क्योंकि वो जानदार है। तो फिर पेड़ों की कटाई पे भी रोक होनी चाहिए अगर पेड़ जानदार है, और पेड़ वाकई जानदार है, ये तो साइंस मान चुकी है कि पेड़ जानदार है, तो उनकी लकड़ियों को काटना, फिर लकड़ियों को काट के एक धर्म विशेष के लोग अपनी आस्था के मुताबिक अपना अंतिम संस्कार करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? यानी इसमें भी तो फिर जानदार आ गए ना। अच्छा, फिर जब वो इस तरीके का मामला होता है तो आप अगर देखेंगे ना, ये बात फिर बहुत आगे निकल जाएगी, अकल इसमें दखल नहीं हो सकती। तो इसलिए जहाँ मामला आस्था का होता है ना, वहाँ अगर अकल चलाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने पेश आ सकती हैं, जिसका जवाब देना अकल से मुमकिन नहीं होगा।
जिसकी मैंने चंद मिसालें अपने इस बातों में दे दी। अक्ल वालों के लिए वो इशारा काफ़ी है कि हाँ, अगर फूड चेन को डिस्टर्ब किया जाएगा या ये अपनी अक्ल से ये बात सोची जाएगी कि इन जानवरों को या इनको नहीं खाया जाए, तो फिर जो है ना प्रकृति का जो नियम है वो डिसबैलेंस यकीनन होगा। इसलिए जो भी चीज़ें इस्लाम में हलाल की गई हैं वो हिकमत के तहत जायज़ और हलाल की गई हैं, जिनको हराम किया गया वो हिकमत के तहत जायज़ और हराम किया गया है। जिनको लगता है कि जानदार पे जुल्म है, तो फिर ऑक्सीजन लेना, पेड़ पौधों को खाना, घासों को खाना, और फिर दूसरी चीज़ें भी हैं कि जिनसे परहेज़ करना पड़ जाएगा, फिर तो इसमें ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाएगी। उम्मीद है कि अक्ल वाले को मेरी बात समझ में आई होगी।